जी हमने बात करी थी फॉस्फेट अवेलेबिलिटी, तो थी 6.5 pH पे सबसे ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड सोयल में पूछे बेटा, मिट्टी में इसका कंटेंट होता है 0.50%। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस के कारण होता है, काओ पॉक्स भी वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन हार्मोन है, और वो भी कैसा? एक प्लांट हार्मोन। ये मैंने आपको बताया था CFTRI कहाँ पे है? मैसूर के अंदर है। अब बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। जीवाणु के डिसीज को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं आप? एंटीबायोटिक्स का। अब फंजाई क्या होती है बताओ? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट लिखा हुआ है इसने, फंजाई में एब्सेंट होता है, एल्गे में। अच्छा सुनो, आपने कभी नहर के आसपास देखा ऐसे हरे हरे रंग की कुछ उगी हुई होती है? एक्चुअली वो होती है एल्गे। क्या होती है वो? एल्गे। और फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फोटो की हेल्प से अपना खाना क्या करेंगे? खुद बनाएंगे। तो भाई इनके पास तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे के पास भी होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है ना, एक्चुअली वो प्लांट नहीं होता, वो बैक्टीरिया होता है। लिख लो ये पॉइंट, ये भी आया हुआ है। ब्लू ग्रीन एल्गे एक्चुअली क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये क्या कर लेता है? फोटोसिंथेसिस कर लेता है। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग है प्रकाश संश्लेषण। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा लिखते जाओ। ब्लू ग्रीन एल्गे मेरे पास क्या है? बैक्टीरिया है। अपने पास येलो कलर फ्रूट्स भी है और वेजिटेबल्स भी साथ में है। जब वेजिटेबल्स भी साथ में आएगी ना, तब आंसर क्या आएगा? विटामिन ए। लेकिन अगर खाली फ्रूट होता तो उस केस में हमारे पास दोनों ऑप्शन होते, ए और सी दोनों, ठीक है। जैसे कि नींबू होता है, नींबू भी तो येलो कलर का होता है। नींबू एक्चुअली फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है। नींबू एक्चुअली क्या है? फ्रूट है। बायोलॉजिकली एग्रीकल्चर में पेपर में आ गया ना नींबू क्या है, तो नींबू क्या है? फ्रूट है। टमाटर क्या है? फ्रूट है। आलू तो स्टेम है, मॉडिफिकेशन का मतलब आलू एक्चुअली वेजिटेबल है, ऑफकोर्स ही बात है। फिर अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन टूटने कौन तोड़ता है? तो तोड़ेगा फंजाई। कटवर्म किसका कीट है? चने का। चने को क्या बोलते हैं? ग्राम। अच्छा, सीड पॉड टेक्निक किसकी टेक्निक है? ये पोटैटो की। ये पोटैटो की ऐसी टेक्निक होती है जिस सीड का यूज करते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? वायरस फ्री सीड। जैसे हमारे अंदर इंसानों में, जानवरों में बीमारियां होती है ना, उसी ही प्रकार से बीमारियां प्लांट को भी होती है। उसी प्रकार से बीमारियां किसमें होती है? पौधों को, फसलों को भी होती है। पॉलिश की परसेंटेज धान, पैडी, धान चावल में कितनी होती है? लगभग 2%। लगभग दो बोला मैंने, 2.1, 2.2 आ गया, वो भी सही है, ठीक है। सोयल के टेक्सचर को, गुणवत्ता को कैसे चेंज कर सकते हो बताओ? टेक्सचर बोल दिया, इसको पूरा ही चेंज करने को बोल दिया? नहीं, वो तो सोयल स्ट्रक्चर है बेटा। सोयल स्ट्रक्चर को हम फॉस्फेट से चेंज कर सकते हैं। टेक्सचर है भाई, मान लो सोयल थी मेरे पास लाल, लाल को काली बना दिया भाई, इनमें से तो कोई। हाँ, सोयाबीन का ऑप्टिमम रेट याद है आपको? 79 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर था। ग्राउंड नट का उदय कहाँ से हुआ था? ब्राजील से। अरे सोर्गम क्रॉप को हम कैमल क्रॉप क्यों बोलते थे? क्योंकि रेजिस्टेंट था ये। सोयल का पीएच राइस क्रॉप के लिए कितना चाहिए होता है? 5 से 9, और कपास के लिए 21 से 27। और ये भी मैंने आपको बताया था, एग्री फाउंड डार्क रेड, याद होगा आपको। खरीफ क्रॉप, ऑनियन की क्रॉप सुटेबल है खरीफ सीजन के लिए।